ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है पंडित रोहता शाम सर्वेश धनुषे जी भरतपुर और जिसके गायक है क्षेत्रीय गायक मास्टर तेज सिंह इंद्र तेलवर राजस्थान से ढोलक पर संगति कर रहे भाई धर्मवीर सिंह चौहान भवनपुरा जेगारा किरावली आगरा उत्तर प्रदेश जीका पर झनका दरा पंडित घनश्याम रूपा मन संचालन कर रहे हैं हमारा गुरुदेव मास्टर बाबूलाल सालमपुर लीजिया सर्वप्रथम दादी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन जिकड़ी प्रांगण विराजमान दूर दराज से आई हुई सरदारी को क्षेत्रीय गायक आपका बालक तेज सिंह ईश्वर का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें श्रोता समय थोड़ा है जैसा कि विवेकी लोग लिखते हैं शहर लाना में ठोकरें खा बहुत ठोकरें खाई बहुत सी झूठे जगत के प्यार पर इसलिए आजा सीता पप तुम्हारे द्वार पर तारो या ना त्यारो तो बदनामी तुम्हारी नाते आइएगा जैसा कि आदेश आदरणीय पंच कमेटी का जिक्री प्रारंभ करने से पहले शुरुआत साखी से ही होगी और साखी जिक्री की जड़ होती है और साखी के बोल आध्यात्म में कहोगे मास्टर धर्मवीर मोहन कहे ने लगे पारथ से नई साखी नए सब आपके बीच में ओ सुन बलवान रे गीता को ओ ज्ञान बताए रहा बाबा
सब स्वार्थ के। मैं श्रोताओं से और आदरणीय पंच कमेटी से निवेदन कर रहा हूं, आप हर वर्ष प्रोग्राम कराते हैं शिकड़ी दंगल, और एक साल में कम से कम 3 या 4 आपके जिगड़ियों के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हमें न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप लोग गहराई से कोई शब्द को सुनते नहीं है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। और ध्यान दीजिए, मास्टर धर्मवीर सिंह झा आराम से सुन जरूर ले। हाँ, क्या बात है। नाते रिश्ते सब स्वार्थ के, हो त्याग अभिमान, हो त्याग अभिमान रे, तू अपने मन में आशीर्वाद स्वरूप मिल रहे हैं। श्रोता प्रसंग के लिए ध्यान से सुनना, मैं नया प्रसंग सुना रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान और वो कुंती पुत्र अर्जुन गंगा स्नान के वास्ते गंगा के किनारे चले गए, आपस में वार्तालाप हो रही है। मास्टर धर्मवीर सिंह कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, प्रभु इस संसार में मेरे जैसा योद्धा, मेरा जैसा धनधारी, मेरे जैसा बलवान मुझे कोई नहीं दिखता। श्रोता बंधुओं, कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे जैसे योद्धा, तेरे जैसे बलवान इस संसार में बहुत हैं। नहीं नहीं, अर्जुन बोला, प्रभु मैं गंगा की कसम खा के कहता हूं, मेरे जैसा बलवान इस संसार में कोई नहीं है। और कृष्ण भगवान बोले, भाई समय आने दे, अर्जुन देखेंगे तू कितना बड़ा बलवान है,
अर्जुन अभिमान में कह रहा है और कृष्ण भगवान गंगा स्नान करके द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए और गांधीधारी अर्जुन गंगा स्नान करके मास्टर धर्मवीर हस्तिनापुर के लिए जैसी प्रभात होता है सुबह होता है अपनी माँ कुंती से अनुमति लेकर आज्ञा लेकर शिकार खेलने के वास्ते चला जा रहा है। अथ में लिखा होते प्रभात पाथ ने कर गांडी उठायो है चरणन शीश नवाए मात के फिर आगे कूदा है बड़के चलो अगार धनंजय पाई विधवा नार अकेली और आगे ते मिल गयो अकेली। अर्जुन के अशगुन होते हैं रास्ते में आगे एक विधवा औरत मिल गई ये हमारे बुजुर्ग अशगुन बताते हैं और सामने आगे चला दो एक तेली मिल गया। गुरुदेव मास्टर बाबूलाल जी सुनिए कथा नया प्रसंग आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं और ध्यान दीजिए। अर्जुन जा रहा जोश में तनक काटते दोस्ती का लंबी भरते हैं उसी बर्तन में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ए जमाना क्या मित्रता पंडित रोहतास कभी कहे तुम सब सुनो कभी कहे तुम सब सुनो अब के ऐसे नहीं आता मैं उसे जिक्री नहीं मानता मैं गाना नहीं सुना रहा हूं। अगले नंबर पर आप कहेंगे तो गाना भी सुनाएंगे लेकिन श्रोता 12 साल का बालक जाकू वन में घूमत पायो है। कृष्ण भगवान एक 12 वर्ष के बच्चे के भेष में
बियाबान जंगल में अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के सामने आ गए। अर्जुन ने देखा 12 साल का बालक जाकू वन में घूमत पायो है। पास में जाके अर्जुन ने बालक ते वचन सुनायो है, कैसे डोले या बन खंड में बालक तेरे मन की बात सुनाए दे। बेटा तू अपनो पूरो पतो बता दे। कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, बेटा इस बियाबान जंगल में तू अकेला क्यों आया है? तेरी दूध पीने की उम्र है, तेरी माँ तेरे लिए खोज रही होगी, ढूंढ रही होगी, तू चला जा बेटा। नन्ना सा बालक बोला, अर्जुन से पूछना चाहता है मैं क्यों आया हूं बताइए। छोटा सा बालक कह रहा है, सुन ये क्या हस्तनापुर का और पीला बड़ा रणधीर भीम का, अरे भैया नित्य पाद तब कस तीरथ सा बालक अर्जुन से समय हो गया। राम राम साहब।